फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मेरी बेटी का सेकंड मंथ बर्थडे डेकोरेशन। सेकंड मंथ हो गया है उसका, तो उसका डेकोरेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक चाहिए चादर नीचे बिछाने के लिए, फिर दूसरा हमें चाहिए कपड़ा जो हमारा बैकग्राउंड बन सके, फिर चाहिए हमें पेंसिल्स बहुत सारी, फिर चाहिए चॉकलेट्स, रिबिन्स और दूसरी सारी चीज़ें। तो अभी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले चादर को अच्छे से बिछा देना है, फिर हम उसके ऊपर कपड़े को बिछा देंगे। देखिए, ऐसे करके हमको बिछाना है। अभी मैं पूरा अच्छे से उसको लगा देता हूँ कपड़े को, तो हमारा पूरा सेट हो जाए। देखिए, ये कपड़ा मैंने अच्छे से उसको बिछा दिया है जो हमारा बैकग्राउंड का काम करेगा। अभी हम दूसरा चीज़ जो करेंगे, बेबी का गद्दी है वो पहले पोजीशन में रख देंगे, तो उसके हिसाब से आगे का डेकोरेशन अच्छे से हो पाए। अभी ये कलर के साथ मैच होने वाली गद्दी ये है और बेबी के कपड़े के साथ भी ये मैच हो रहा है, तो हम अभी ये वाली गद्दी यूज़ करने वाले हैं। देखिए, हमने गद्दी को ऐसे पोजीशन पे रख दिया है। अभी उसके आजू बाजू में हम रखेंगे कार्ड्स। वो कार्ड्स जो हमने खुद बनाए हैं ब्लैक एंड वाइट, जो बेबी के लिए अच्छे रहते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स तक आप वो ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स बेबी को दिखाते हैं, तो उसका आई शाइट बहुत ही अच्छा हो पाता है। देखिए, ये फ्लैश कार्ड्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं मेरी बेटी के लिए, मैंने और मेरी वाइफ ने मिल के। तो ये फ्लैश कार्ड्स को भी हम आजू बाजू में डेकोरेट करेंगे। तो आज का थीम हमारा है, ये कार्ड्स रिलेटेड ही है। कार्ड्स में बनाने के लिए हमको जो भी पेंसिल्स यूज़ हुए हैं, इरेजर यूज़ हुआ है, रबर यूज़ हुआ है, वो सब हम इस आज के डेकोरेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ ये फ्लैश कार्ड्स को हम कैसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, ये जो सारे फ्लैश कार्ड्स हैं मैंने ऐसे उसको गद्दी के आजू बाजू में अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अभी हम लेंगे पेंसिल्स। ये जो पेंसिल्स हैं उसको डेकोरेशन में साथ में यूज़ करेंगे। ये फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं उनके बीच में ऐसे करके हम रख देंगे। देखिए, ऐसे करके हम पेंसिल्स को ये फ्लैश कार्ड्स के बीच में ऐसे अच्छे से सजा सकते हैं। नेक्स्ट हमको लिखना है 2 नंबर। हमारी बेटी का सेकंड मंथ बर्थडे है तो 2 नंबर लिखना पड़ता है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे चॉकलेट्स। ये जो गोल्डन चॉकलेट्स आती है वो लेके उससे हम 2 नंबर बनाएंगे। आप देख सकते हैं, ऐसे करके हमने ये 2 नंबर बना दिया है चॉकलेट से। अभी हम लेंगे ये रिबन्स। ये रिबन्स को हमको डेकोरेशन में यूज़ करना है। उसको हम ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है चॉकलेट से, उसके आजू बाजू में एक एक करके सजा देंगे ऐसे करके। और बाद में जो भी ये कलर के लिए हमने जो यूज़ किए हैं ब्रशेस, पेंसिल्स, इरेजर, उसको हम उसके हिसाब से सेट कर देंगे। ये पेंसिल, रबर, इरेजर और वो सब है, और ये ट्रे है और वो है, और बाकी जो भी कलर्स हमने यूज़ किए हैं उसको मैंने एक एक करके साइड में पूरा रख दिया है। जो भी कलर आप रैंडमली रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सारे कलर्स ऐसे करके एक एक करके रख देंगे, तो उसका बॉर्डर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे करते करते हमने एक एक चीज़ रख के पूरा डेकोरेशन कंप्लीट कर दिया है। मैंने इसमें फ्लैश कार्ड जो यूज़ किए हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। आप अगर चाहें तो बाहर से रेडीमेड भी ला के रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने खुद बनाए थे इसीलिए मैंने उसमें जो भी चीज़ें यूज़ हुई थी, पेंसिल है, फिर ब्रशेस है, कलर है, इरेजर है,
वो सब चीज़ें मैंने यूज़ कर ली है उसमें अच्छे से। तो ये क्या डेकोरेशन का डेकोरेशन हो जाएगा और वो जो चीज़ मैंने की है वो फ़ायदे में दिख जाए। और ये दो टॉयज़ भी हम साथ में रख सकते हैं, एक हाथी का है और दूसरा चिड़िया का टॉयज़ है, तो उससे थोड़ा आपका अच्छा लुक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप पूरा लुक देख लीजिए अभी कि कैसा लग रहा है ये डेकोरेशन। अगर ये डेकोरेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।